हेलो एवरीवन आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी आज हम स्टैंडर्ड इलेवन सब्जेक्ट फ़िजिक्स चैप्टर नंबर टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट में रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है उसका सॉल्यूशन देखने वाले है ओके तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट नाइनटीन से द प्रिंसिपल ऑफ पैरालक्स इन सेक्शन टू पॉइंट थ्री पॉइंट वन जो टेक्स्ट बुक थियोरी में था इज यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ वेरी डिस्टेंट stars the baseline a b is the line joining earth's two locations six months <coughs> apart in its orbit around the sun that is the baseline is about the diameter of earth's orbit 3 into 10 to power 11 meter however even the nearest star are so distant that with such a long baseline they show parallax only of the order of 1 second of arc or so okay a parsec is a convenient unit of length on the astronomical scale it is the distance of an object that will show a parallax of 1 second of arc from opposite end of a baseline Equal to the distance from the Earth to Sun. How much is parsec parsec in terms of meter? How much is parsec in terms of meter? तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको थियरी पढ़ाते टाइम दिया हुआ है। वहाँ पे parsec की वैल्यू लिखी हुई थी और वो कैसे आई वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी तो देखो फिर से हम यहाँ पे कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं डायमीटर कितना दिया हुआ है थ्री इंटू टेन टू पावर इलेवन मीटर तो रेडियस क्या हो जाएगी अर्थ की जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस बनेगी वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर इलेवन मीटर डिवाइड बाई टू कर दिया हमने डायमीटर को ठीक है अब हमें करना क्या है एंगल इक्वल टू तो आर्क अपॉन रेडियस ही रखना है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस अभी देखो जो अर्थ के टू डिफरेंट लोकेशन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज यहाँ से यहाँ तक है ये आर ले लेते हैं और कोई एक स्टार है वहाँ पे ये पैरलेक्स बन रहा है वन सेकेंड का और ये डिस्टेंस डी हमें मेज़र करना है तो एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करोगे आप और ये जो सेंटर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे उसके लिए ये क्या बन जाएगी आर्क मतलब पूरा डायग्राम पूरी स्टोरी समझो अच्छे से कि सपोज़ ये अर्थ की ऑर्बिट है अराउंड सन ऐसी नहीं होगी ऐसी ठीक है उसका जो एवरेज डिस्टेंस है सपोज एवरेज डिस्टेंस के लिए अर्थ यहाँ से यहाँ तक है तो जो रेडियस है वो एंगल बना रही है वन सेकेंड का किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बना रही है वन सेकेंड का और ये डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है जो कि वन से कहलाएगा तो ये हो गई रेडियस ऐसा कोई डायग्राम है ठीक है अब ये अर्थ का ही लोकेशन है इसलिए मैं नाम दे देता हूं ई और यहां पे है ई डैश ठीक है तो एंगल इक्वल टू तो आर कपॉन रेडियस ल, लिख दो और आपको फाइंड करना है डिस्टेंस मतलब ये कैपिटल डी तो कैपिटल डी इक्वल टू क्या बन जाएगा आर डिवाइड बाय थीटा अब रेडियस हमें पता है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर इलेवन अब थीटा क्या है वन सेकेंड वन सेकेंड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो थ्री सिक्स जीरो जीरो से डिवाइड करोगे और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई वन एटी से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये पूरा अगर आप सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिलेगा थ्री पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन टू पावर सिक्सटीन मीटर ये आप कर सकते हो ये थ्री सिक्स जीरो ज़ीरो और ये वन एटी ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई सिर्फ रहेगा पाई क्लियर हैंस आप बोल सकते हो वन पार से इज इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन टू पावर सिक्सटीन मीटर अभी बात करते हैं क्वेश्चन टू पॉइंट ट्वेंटी द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज फोर पॉइंट टू नाइन लाइट ईयर्स अवे द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज फोर पॉइंट टू नाइन लाइट ईयर्स अवे हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म ऑफ पारसेक और साथ में कहा गया है कि हाउ मच पैरलेक्स वुल्ड दिस स्टार शो वैन व्यू फ्रॉम टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ सिक्स मंथ अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड सन ठीक है और कितना एंगल बनाएगा ये भी हमें डिफाइन करना है और यहाँ पे पारसेक है सॉरी डिस्टेंस जो लाइट ईयर में दिया है उसको कन्वर्ट करना है हमें पारसेक में क्लियर तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस को नाम दे देते हैं स्मॉल डी और वो आपको दिया हुआ है फोर पॉइंट टू नाइन लाइट ईयर वन लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मच मीटर वन लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मच मीटर ये आपको याद रखना है तो ये था नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन मीटर अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया तो 4.29 पॉइंट टू नाइन इंटू नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन डिवाइड बाई समझो ये वन पार टू दिस मच मीटर है तो वन मीटर इक्वल टू ये पूरा जो है नीचे जाएगा डिवाइड बाय में तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा मुझे थ्री पॉइंट ज़ीरो नाइन इंटू टेन टू पावर सिक्सटीन थ्री पॉइंट ज़ीरो नाइन इंटू टेन टू पावर सिक्सटीन जनरली हम वन पारसेक इक्वल टू लेते हैं थ्री पॉइंट जीरो एट इंटू टेन टू पावर सिक्सटीन पर हमें जो यहां पे आंसर मिला था वही यहां पे लिख देते हैं क्लियर ओके तो ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा नियरली वन पॉइंट थ्री टू पारसेक ठीक है ना तो ये आपको मिल गया डिस्टेंस ओके okay. ओके okay, अब बात करते हैं एंगल की तो समझो ये जो डायग्राम है सेम वैसा डायग्राम बनेगा बट थोड़ा डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं ये डायग्राम समझने के लिए एग्जाम में आप अगर ये ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा बट समझना ज़रूरी है अभी हमें ये लाइन की बात नहीं करनी है हमें देखना है एंडिंग पॉइंट के लोकेशन से ऐसे कुछ और ये डिस्टेंस नहीं है अभी जो हमें डिया गया है डिस्टेंस वो डिस्टेंस लेना है आपको अभी हमें जो डिस्टेंस लिया दिया गया है वो स्मॉल डी है ठीक है और ये अर्थ का डायामीटर है ये अर्थ का पूरा डायामीटर रहेगा हम एक काम करते हैं ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको कैपिटल डी ही नाम दे देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और ये है अर्थ का डायामीटर और ये कैपिटल डी हमें पता है कैपिटल डी पता है स्मॉल डी पता है अब ये एंगल नहीं पता है तो एंगल के लिए क्या करोगे एंगल थीटा इक्वल टू आर कपॉन रेडियस तो स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी अब डाया हमें दिया हुआ है डाया कितना दिया हुआ था थ्री इंटू टेन टू पावर एलेवन मीटर डिवाइड बाई स्मॉल डी भी दिया हुआ है स्मॉल डी डिस्टेंस अगर मीटर में लेना है तो ये रहेगा फोर पॉइंट टू नाइन इंटू नाइन पॉइंट फोर सिक्स फोर पॉइंट टू नाइन इंटू नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन तो ये जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा तो ये अगर आप पूरा कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चलेगा सेवन पॉइंट थ्री नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स रेडियन के आसपास आएगा ये आंसर ठीक है ना तो यहाँ पे ये एंगल आपको पता चल गया क्लियर अब ये एंगल को यहाँ पे कहा नहीं गया है कि आप डिग्री में कन्वर्ट करो तो ज़रूरत नहीं है यहाँ तक रखोगे तो भी चलेगा और अगर डिग्री एंड मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो सेवन पॉइंट थ्री नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स ये रेडियन है अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वन एटी डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा आपको पाई वन एटी डिवाइड बाई पाई भी तो करना पड़ेगा ठीक है ये कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा डिग्री में और डिग्री में से अगर डिग्री में भी वैल्यू छोटी आएगी तो अगर आपको जाना है मिनट में तो फिर से आप सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देना तो डिग्री में से आप मिनट में चले जाओगे और थ्री सिक्स जीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो चले जाओगे आप सेकंड में ठीक है तो फाइनल आपका आंसर बनेगा वो 1.52 पॉइंट सेकेंड जितना आपका आंसर आएगा अगर आपको सेकेंड में आंसर चाहिए तो ठीक है करना क्या पड़ेगा तो ये जो भी आंसर आए समझो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ये जो भी आंसर आए वो जो आंसर है वो डिग्री में है क्लियर फिर आप अगर मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स ज़ीरो ज़ीरो कर दोगे तो वो किस में हो जाएगा सेकेंड में ये जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई कर देना है थ्री सिक्स जीरो जीरो से तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको सेकेंड्स में क्लियर यहां तक ओके okay. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट ट्वेंटी का सॉल्यूशन अब जो टू पॉइंट ट्वेंटी वन है वो थियोरिटिकल क्वेश्चन है और ऑलरेडी हमने उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है तो एक बार आप देख लेना अगर उसमें भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ठीक है अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट ट्वेंटी टू पे अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट ट्वेंटी टू पे जस्ट एज प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर नेसेसरी इन साइंस इज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक रफ एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटीज यूजिंग रिडीमेट्री आइडियाज

कि जो पूरा एक इंडिया है ठीक है उसके ऊपर जो क्लाउड है उसमें पानी कितना रहेगा टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स मतलब जो पानी वाले क्लाउड्स है उसका टोटल मास कितना होगा वो आपको एस्टिमेट करना है ज़मीन पे बैठे बैठे ठीक है तो ये क्वेश्चन वेरिएबल है इसका आंसर भी वेरिएबल हो सकता है क्योंकि हर साल इक्वली अमाउंट uh, की बारिश नहीं होती हम मान के चलते हैं समझो तो इसका आंसर कैसे आपको लिखना है ड्यूरिंग मॉनसून अ मेट्रोलॉजिस्ट records about suppose about हम मान लेते हैं मीटर में ही ले लेते हैं डायरेक्ट टू मीटर रेनफॉल इन इंडिया अब हर साल अलग अलग हो सकता है आप टू पॉइंट फिफ्टी टू पॉइंट थर्टी वन पॉइंट फाइव ले सकते हो ओके okay. तो ये हाइट क्या हो गई टू मीटर तो सपोज हाइट इतनी है टू मीटर एरिया ऑफ कंट्री ये आप गूगल कर सकते हो तो एरिया है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर ट्वेल्व मीटर स्क्वायर, ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर हमें डेंसिटी भी पता है अब देखो हाइट मिल गई समझना पूरा थ्री में एज्यूम करोगे तो सपोज़ ये पूरा इंडिया है और उसके ऊपर मुझे दो मीटर हाइट की जितनी बारिश मिल गई तो एरिया इनटू ये हाइट कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा वो पानी का वॉल्यूम जितना गिरा था वो पानी का वॉल्यूम मिल गया और इंटू डेंसिटी कर दो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब क्या बन जाएगा मास बन जाएगा तो मुझे मास मिल गया कि बारिश कितनी हुई तो उतना ही मास ऊपर होना चाहिए जो क्लाउड्स थे और जिसके पास वाटर वेपर्स थे उसका आपको मास मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ वाटर ठीक है मास ऑफ वाटर इक्वल टू आप करोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट अब डेंसिटी है टेन टू पावर थ्री एरिया है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर माइन प्लस ट्वेल्व और हाइट दी हुई है हाइट कितनी है तो हमने ले ली है टू आप हाइट एज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है कितनी बारिश हुई उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये तो तो आंसर आया सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन किलोग्राम ओके तो हम मान सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रेन बीरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन किलोग्राम क्लियर तो ऐसे आप एस्टिमेट कर सकते हो हमारा ए का सॉल्यूशन हो गया बी द मास ऑफ एन एलिफंट अब एलिफंट का मास कैसे डिसाइड करें यह तो चलो हो गया अब हमें डिसाइड करना है एलिफेंट का मास तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ठीक है मास को किसी बड़े ट्रक में चढ़ा दो पहले ट्रक का मास मेज़र कर लो पहले पूरे ट्रक का मास मेजर कर लो कितना है ठीक है उसके बाद आ, ट्रक के ऊपर आप एलिफेंट बिठा दो ठीक है ऐसे चार पैरों वाला होगा ना ठीक है एलिफेंट बिठा दिया यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये एलिफंट है ठीक है और फिर वापस हमने मास मेजर कर लिया तो फर्स्ट टाइम मास मिला था वो एम वन था सेकेंड टाइम हमें एम टू ज़्यादा मिलेगा क्योंकि एलिफेंट का मास ऐड हो चुका है और दोनों मास का मैं डिफरेंस निकाल लूँ एम टू माइनस एम वन मतलब वो क्या हो गया मास ऑफ एलिफंट क्यों क्योंकि एम टू में ट्रक का मास और एलिफेंट का मास दोनों का मास जुड़ा हुआ था और एम वन में सिर्फ ट्रक का मास था अब दोनों का जब सब्ट्रेक्शन करेंगे तब ट्रक ट्रक का मास है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा एलिफंट का मास दूसरी भी मेथड है ठीक है आप ओन वर्ड्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये मेथड भी और एक दूसरी मेथड भी है वो भी लिख सकते हो कि सपोज मैंने ये पानी ऐसे ले लिया ये सपोज वाटर सरफेस है और एक बहुत बड़ी शीप है ठीक है जब हमने इसके ऊपर हाथी को बिठाया जब हमने इसके ऊपर हाथी को बिठाया ठीक है तब ये शिप कितना डूब गई तो वो आपको डिस्टेंस निकाल लेना है तो पहले डूबी हुई थी डी वन डिस्टेंस पे अभी डूब गई है डी टू डिस्टेंस पे ज़्यादा डूब गई तो इफेक्टिव कितना हुआ तो डी टू माइनस डी वन समझना जब हमने हाथी नहीं रखा था तब सरफेस के अंदर शिप जो जा रही थी वो डी वन डिस्टेंस तक जा रही थी क्लियर जब हाथी को बिठा दिया तब वो ज़्यादा और डूब गई अंदर पानी में तो वो डी टू डिस्टेंस तक अंदर जा रही थी तो इफ़ेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी टू माइनस डी वन इंटू अगर मैं वो सीप का सरफेस एरिया कर दो तो वो वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कर दूं तो वो मास डिस्प्लेस्ड बाय एलिफंट हो गया मास डिस्प्लेस्ड बाय एलिफेंट ये एलिफंट का मास हो जाएगा क्योंकि इक्वल वेट रहता है नीचे की ओर एम जी और ऊपर की ओर एमडेस जी इक्वल होते हैं वहीं पे वो सीप जाके रुकेगी तो ये था ब्यून फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको याद होगा आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो ये दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो ठीक है ओन वर्ड्स में लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो क्वेश्चन सी द विंड स्पीड द विंड स्पीड ड्यूरिंग स्टॉम तो विंड स्पीड ड्यूरिंग अस्टॉम कैन बी मेजर्ड बाय एन एनिमोमीटर यहाँ पे ही आंसर लिख देता हूँ आपको कौन सी डिवाइस से हम मेज़र करेंगे Okay. कैसे तो एक हम सर्कुलर एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिसमें जैसे ही विंड पास होगा वो गोल गोल घूमेगी और नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम हम मेज़र करेंगे और उसकी हेल्प से हमें मिलेगी स्पीड अब ये अभी आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप रोटेशनल मोशन अभी तक पढ़े नहीं हो अगर आप नंबर ऑफ़ रोटेशन पर यूनिट टाइम फाइंड कर लेते हो इसका मतलब आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी की हेल्प से वेलोसिटी मिल जाएगी वी इक्वल टू आर ओमेगा एक फॉर्मूला है ठीक है तो आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि एनिमोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं एक व्हील है जिसकी स्पीड मेज़र कर लेते हैं कौन सी रोटेशनल स्पीड कैसे तो नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम कितने हो रहे हैं वो मेजर कर रहे हैं और उसकी हेल्प से हम विंड की स्पीड पता लगा लेंगे अब बात करते हैं डी द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड अब ये कैसे पता लगाए सर के बाल गिनना उतना भी इजी नहीं है तो सपोज यहाँ पे आप कैसे करोगे आपका सरफेस एरिया आपको पता होगा जितने एरिया में बाल है वो ओके विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज आप क्या करोगे जो बाल है उसका डायमीटर मेज़र कर लोगे और डायमीटर की हेल्प से आप क्या मेज़र कर लोगे रेडियस तो आपको रेडियस पता चल गई किसकी हेयर की रेडियस ठीक है ना तो एरिया ऑफ वन हेयर क्या होगा एरिया ऑफ़ वन हेयर है पाय आर एरिया ऑफ वन हेयर है वो पायर स्क्वेर तो फिर नंबर ऑफ़ हेयर्स कितने रहेंगे समझो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि सपोज़ ये सर है और इतने ये जो सर है उतने एरिया में बाल उगे हैं अब ये एरिया कितना है ये अब इसके अंदर जो बाल है हम मान लेते बहुत ज़्यादा ही घने हैं ठीक है थीके? और थोड़ा ज़्यादा ही स्टाइलिश है ऐसे ओके एक बाल का जो एरिया है एक बाल का एरिया वो आपको मिल रहा है पायर स्क्वायर एक बाल का आपने डायमीटर मेज़र कर लिया था तो हम मान के चलते कि जो एरिया है वो नंबर ऑफ बाल इन टू पाय होगा तो नंबर ऑफ हेयर आपको कैसे मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया डिवाइड पाई पाईआर स्क्वायर की हेल्प से ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी बट एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगी क्लियर तो ऐसे आप एस्टिमेट कर सकते हो नंबर ऑफ हेयर इन हेड ई द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम ये हम मेजर फाइंड uh, कर सकते नंबर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स इन क्लास रूम अब क्लास रूम का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए सिर्फ क्लास रूम का वॉल्यूम पता होना चाहिए क्योंकि आप बोल सकते हो कि ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब इतना जब वॉलीम है तब जो मोलिक्यूल्स है वो कितने हैं नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स एवोगेड्रो नंबर जितने तो हमारे पास जो क्लासरूम का वॉल्यूम है वी वी वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या करोगे एन ए इंटू वी डिवाइड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री मतलब एवोगेट्रो नंबर आपको पता है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री और वॉल्यूम ऑफ क्लास वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर एक क्लास का वॉल्यूम डिफरेंट होता है वो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा क्लियर तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं क्लासरूम में नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कितने हैं क्लासरूम के अंदर ये भी हम एस्टिमेट निकाल सकते हैं क्लियर तो ये हो गया क्वेश्चन टू पॉइंट ट्वेंटी टू का सॉल्यूशन अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट ट्वेंटी थ्री की Question 2.23 The Sun is a hot plasma with its inner core at a temperature exceeding 10 to power 7 Kelvin and its outer surface at a temperature about 6000 Kelvin. At these high temperatures, no substance remains in a solid or liquid phase. In what range do you expect? द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और गैसेस ठीक है न समझो कि सन है उसका जो आउटर लेयर है और इनर का जो कोर है अब कोर का टेम्परेचर तो पूछो ही मत उतना हाई है टेन टू पावर सेवन केलवीन और जो सरफेस का टेम्परेचर है वो सिक्स थाउजेंड कैलविन बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा हाई है अब इतने हाई टेम्परेचर पर अंदर का जो मटेरियल है वो सॉलिड या लिक्विड फेज में नहीं रह सकता फिर भी आपको डेटा की हेल्प से निकाल निकालना है कि ये डेंसिटी क्या होगी और डेंसिटी है वो कौन सी रेंज में आती है सॉलिड की लिक्विड की या गैसेस की तो वो हम निकाल के देखते हैं चलो तो डेंसिटी इक्वल टू हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम चलो मास एम वॉल्यूम ले लेते फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब थ्री ऊपर चला जाएगा तो थ्री एम डिवाइड बाई फोर पाई आर क्यूब सभी वैल्यू डाल दो थ्री इंटू एम एम मतलब क्या मास ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितना है टू इंटू टेन टू पावर थर्टी किलोग्राम तो यहाँ पे टू इंटू टेन टू पावर थर्टी ये फोर ये थ्री पॉइंट फोर्टीन और रेडियस ऑफ सन आपको सेवन इंटू टेन टू पावर एट दिया हुआ है तो सेवन इंटू टेन टू पावर एट और उसका क्यूब कर दो तो ये पूरा आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा नियरली वन पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर थ्री किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो ये हो गई डेंसिटी ऑफ सन अब देखो ये रेंज कौन सी है तो आपको यहां पे लिखना है द डेंसिटी ऑफ सन इज इन द रेंज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पानी की डेंसिटी देखोगे तो टेन टू पावर थ्री किलोग्राम पर मीटर क्यूब है है ना तो लिक्विड से थोड़ी ज़्यादा है तो हम सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में हम ऐसा मान लेते हैं ठीक है तो दिस हाई डेंसिटी इज एट्रीब्यूटेड टू द इंटेंस ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन ऑफ द इनर लेयर्स ऑन द आउटर लेयर ऑफ सन समझना ऐसा क्यों है क्योंकि ये जो अंदर का लेयर है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग है कि इन सबको प्रेशराइज करके रखता है मैटर को नॉर्मली इतने बड़े टेम्परेचर पे सॉलिड या लिक्विड पॉसिबल है नहीं सॉलिड लिक्विड स्टेट पॉसिबल नहीं है बट ये ग्रेविटी की वजह से जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है इसकी वजह से ये कंबाइन होके रहते हैं गैसेस इसीलिए आपको डेंसिटी इतनी हाई मिलती है क्लियर कि वो डेंसिटी चली जाए सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की रेंज में ओके okay. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वैन द प्लेनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस एट टू फोर पॉइंट सेवन मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ इट्स एंगुलर डायामीटर इज मेजर टू बी थर्टी फाइव पॉइंट सेवेंटी टू सेकेंड ऑफ आर्क कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ जुपिटर एकदम ईजी देखो ये अर्थ है यहाँ पे मान लो कहीं पर जुपिटर है ठीक है एक सिंगल पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो और डायमेट्रिकली एंडिंग पॉइंट्स को आप देख रहे हो ओके okay? जब डायमेट्रिकली एंडिंग पॉइंट को देख रहे हो तब जो यहां पे एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगुलर डायमीटर जिसको हम बोलते हैं अल्फा ठीक है आप कोई भी नाम दे सकते हो हम यहाँ पे बोल रहे हैं अल्फा डायमीटर ने जो एंगल बनाया उसको बोला जाता है एंगुलर डायामीटर और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ये कैपिटल डी और ये डायामीटर ऑफ जुपिटर ये हमें फाइंड करना है तो सिंपल फिर से वही फॉर्मूला एंगल इक्वल टू तो आर्क अपॉन रेडियस मतलब स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी अगर स्मॉल डी चाहिए तो अल्फ़ा इंटू कैपिटल डी करना पड़ेगा अल्फ़ा कितना दिया हुआ है थर्टी फाइव पॉइंट सेवेंटी टू तो थर्टी फाइव पॉइंट सेवेंटी टू ये सेकेंड में है डिवाइड बाई थ्री सिक्स जीरो ज़ीरो करो तो डिग्री में आएगा और इंटू अगर मैं पाई बाई वन ए कर दूँ तो ये चला जाएगा रेडियन में और मुझे रेडियन में ही ज़रूरत है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है एट टू फोर पॉइंट सेवन मिलियन किलोमीटर समझना एट टू फोर पॉइंट सेवन मिलियन मतलब टेन टू पावर सिक्स किलोमीटर मतलब एट टू फोर पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर नाइन मीटर कर सकता हूँ क्योंकि किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो टेन टू पावर थ्री है ठीक है ये डेटा हमें दिया हुआ है बस वही वैल्यू मुझे यहाँ पे रख देनी है एट टू फोर पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर नाइन मीटर ओके ये पूरा सॉल्यूशन कर लो नियरली आपका आंसर आ जाएगा वन पॉइंट फोर थ्री फाइव इंटू टेन टू पावर फाइव किलोमीटर ओके और ये जो क्वेश्चन टू पॉइंट ट्वेंटी वन है वो हमने ऑलरेडी थियोरी में डिस्कस किया हुआ है और अगर आपको ये आंसर कहीं पे ना मिले अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हो ठीक है तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फिनिश हुआ एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन वन से लेके ट्वेंटी फोर्थ तक सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से लिख के करो और कोई डाउट जनरेट होता है तो ये वीडियो आप देख सकते हो और अगर वीडियो में भी कोई डाउट जनरेट होता है तो फिर मुझे कॉल कर सकते हो या तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है चलो यहाँ तक रखते हैं यहाँ पे हमारा चैप्टर टू फिनिश हुआ नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर थ्री के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे थैंक यू